दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के मामले में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना यूबीटी के विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्यपाल से गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा लिए जाने की मांग की गई है। आदित्य ठाकरे ने कहा, जालना में सरकार द्वारा अमानवीय लाठीचार्ज के खिलाफ आज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। लोगों को पता होना चाहिए कि शिवसेना बीजेपी सरकार में जनरल डायर कौन है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में जनरल डायर कौन है? जाँच होगी। IAS IPS अधिकारी सस्पेंड होंगे, लेकिन जनरल डायर का क्या होगा? गैर संवैधानिक सीएम ने आदेश दिया कि DCM इससे लोगों के सामने आना चाहिए। दरअसल ऐसे लाठीचार्ज के बाद सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, राज्यपाल महोदय से मैं यही चाहता हूं कि एक्शन लिया जाए। हम सारे लोग चाहते हैं, पूरा महाराष्ट्र भी यही चाहता है, क्योंकि यह सरकार निकम्मी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी यही बात सामने आई थी, सिर्फ शब्द अलग इस्तेमाल हुए थे। सबसे अहम बात यह है और मैंने राज्यपाल से यही विनती की है कि सीएम को बुलाकर समझाएं कि आंदोलन को ऐसा नहीं उठाया जाता है। कायदा भी एक चीज होती है और उस कायदे के हिसाब से चलना चाहिए। देश का जो कानून है उसे अपनाया जाना चाहिए। ये जो सत्ता बिठाई गई है यह भी कानून के बाहर है। बता दें कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर माफी भी मांग ली है, लेकिन विधान परिषद में विपक्ष के नेता अब्बादास दानवे ने कहा कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, हमारी मांग ये है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि जालना में आंदोलन उस वक्त हिंसक हो गया था जब अचानक पथराव होने लगे थे, जिसमें 40 पुलिसकर्मी समेत कई अन्य लोग घायल हो गए थे। इस दौरान पुलिस ने जवाब में लाठी चार्ज किया था।